बिग मेम साहब मंच, उम्मीदों के मुस्कुराने का मंच, सपनों को सच कर दिखाने का मंच, हौसलों की उड़ान और नई पहचान का मंच, दिलों में धड़कते अरमानों का। बिग मेम साहब सीजन 7 का ट्रॉफी लेकर आऊंगी। मैं एक पहचान बनाना चाहती हूँ। मैं बनूंगी मेम साहब सीजन 7। रिश्तों और अरमानों को सच कर दिखाने का 7 गुना ज्यादा मनोरंजन के साथ बिग मेम साहब सीजन 7। जी आप, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़े हैं। आप मुझे जानती हैं? पूरी दुनिया आपको जानती है, इतने हंसाते हैं लोगों को। तो आप यहाँ कर क्या रहे हैं? मैं एक्चुअली गाड़ी का अपना इंतजार कर रहा था, अभी तक पता नहीं ड्राइवर कहाँ रह गया। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। आप छोड़ेंगी? बिहार की राजधानी पटना, जो कभी पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पटना न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इस शहर के कूचे कूचे से इतिहास की महक आती है। पटना को एक क्रांतिकारी शहर भी कहा जाता है। गंगा नदी के तट पर बसे इस शहर में बुद्ध स्मृति पार्क, हनुमान मंदिर, पटना म्यूजियम, गोलघर, तारा मंडल, कुम्हरार, तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा सहित कई ऐसे प्राचीन और धार्मिक स्थल हैं जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दें। यही कारण है कि यहाँ पूरे साल विदेशी सैलानियों का हुजूम लगा रहता है। मैं हूँ पटना की रानी। लाइफ में मेरा सपना था कि मैं एक्टर बने। मेरा है बस एक ही ख्वाब, मैं बनूंगी बिग मेम साहब सीजन 7। इस बार सब भी कर दूंगी खड़ी खाट, मैं ही बनूंगी बिग मेम साहब सीजन 7। हुनर के मैदान में मैं ही करूंगी कुछ खास। और भी कंटेस्टेंट मेम साहब है मेरे साथ, उनसे भी बातें कर रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं अनुराधा जी आपको। शुरू करते हैं अपने बाएं तरफ से। मुझे ये बताइए कि बिग मेम साहब का ये मंच, इसको आप कैसे देखती हैं? ऐसे देखती हैं या ऐसे देखती हैं? नहीं, हम डांस करते करते देखती हैं। मैं आपको एक चैलेंज दूं, अगर हम निभा देंगे तो मैं समझूंगा कि हाँ प्रतिभा है आप में। ठीक है, 10 बार आपने अपनी आंखों को ऊपर से नीचे रोटेट करना है। पलकें झपकाए जा रही हैं आपको, टप 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 टप। क्या नाम है आपका? बसंती कुमारी। क्या शोले देखते वक्त आप पैदा हुई थी? डांस करती हैं आप? हाँ, हल्का करते हैं। हल्का मतलब क्या? टिश्यू पेपर के साथ करते हैं? अच्छा नहीं करते हैं। हल्का सा क्या, एक ठुमका लगा ठुक, बस हो गया भाई। मुझ में है कुछ खास, इसीलिए मैं ही बनूंगी बिग मेम साहब सीजन 7। तो पटना में भी ऑडिशंस के लिए ये मंच बिल्कुल सज के तैयार हो चुका है और कमर कस के आई हुई सभी मेम साहबों को अब अपना हुनर दिखाना है और इन्हें हुनर के कसौटी पे कसने के लिए हमारे जजेस भी तैयार हो गए हैं। कौन है ये लोग? हमारी आज की पहली जज हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी मधु श्रीवास्तव जी। मैं लायंस क्लब पटना फेमिना की प्रेसिडेंट रह चुकी हूं। वर्तमान में लायंस क्लब की कैबिनेट मेंबर हूं। महिलाएं जो गांव में बिलोंग करती हैं, जो गांव में रहती हैं, उनके छोटे छोटे उद्योगों को ले करके यहां पे साल में 2 बार हम लोग एग्जीबिशन लगाते हैं उनका, जिनसे क्या होता है उनके कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। एक महिला के रूप में घर की तमाम जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ मधु जी बिहार महिला उद्योग संघ और लायंस क्लब के महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सक्षम बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराने के अलावा गरीब लड़कियों को शिक्षा मुहैया कराने जैसे अनगिनत सामाजिक कार्यों को पिछले कई वर्षों से बड़ी लगन से निभा रही हैं। मैं महिलाओं से कहना चाहूंगी, जो भी आज हमारी पार्टिसिपेंट्स हैं, कि हीरे की तरह अगर काबिलियत रखती हो तो अंधेरे में चमका करो, वरना रोशनी में आके तो कांच भी चमका करते हैं। हमारी दूसरी जज हैं समाज सेवी और कवित्री राजकुमारी जी। एक गृहिणी की तमाम जिम्मेदारियों के अलावा ये अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाना कभी नहीं भूलती। जनरल महिलाएं जो टीवी देखती हैं या मूवी गई, तो वो सब समय को मैं थोड़ा अपने समाज के लिए देना चाहती हूँ। जैसे मेरी मेड की बच्ची है, वो नहीं पढ़ पा रही है, तो मैं वहाँ उनका स्कूल का फीस भरवा देती हूँ, कॉपी किताब खरीद के दी। आसपास के लोग इन्हें फरिश्ता कहते हैं क्योंकि कोई भी जरूरतमंद इनके दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं लौटता। किसी की शादी भी नहीं हो रही है, उसमें कुछ
पैसे की जरूरत है या दूसरे ढंग का कुछ भी सहयोग है सामाजिक रूप से, अकेले अगर नहीं मैं कर पाई तो हस्बैंड का भी सपोर्ट लेती हूँ। तो मेरा यही चाहत है कि हम सब एक साथ चलें। समाज के दबे कुचले तबके के लोगों की मदद करना इनके लिए सबसे बड़ी पूजा है। मेरे तरफ से सभी महिलाओं को ऑल द बेस्ट। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार, क्या है नाम आपका? मेरा नाम बसंती कुमारी है, मैं परसा में रहती हूँ। मुझे बचपन से है डांस और गाना का शौक। जुग जुग जियो ललनवा भवनवा के भाग जागल हो। लेकिन मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं था, मेरे भैया को तो बिल्कुल पसंद नहीं था। इनका मैंने सिंगिंग और डांसिंग दोनों देखा है। मैं घर पर शादी से पहले भी गाना गाती रहती थी और डांस करती रहती थी। टीवी में कोई भी डांस प्रोग्राम होता है मैं तो जरूर देखती हूँ उसे, और कोशिश करती हूँ कि मैं उस तरह से कर सकूँ। बिग मैम साहब का ऑडिशन हो रहा है तो इसमें जाने के लिए हम भी इनको रोक नहीं पाए, और इनको पहले से हम तो खुद ही तैयार थे। मुझे परिवार का पूरा सपोर्ट है, मेरे मम्मी पापा एंड माय हस्बैंड, वो पूरा चाहते हैं कि मैं बिग मैम साहब में जाऊँ, मैं भाग लूँ। आपका साथ कैसा सहयोग रहता है उनका? मैंने उन्हें कहा कि मुझे बिग मैम साहब के ऑडिशन में जाना है। ओहो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये फालतू काम है, ये सब नहीं जाना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम रोते रहेंगे तो आकर मत पूछिएगा क्यों रो रही है। किस जानवर को देख के आपकी सासू माँ को आपकी याद आ जाती है? आई थिंक कुत्ता। कुत्ता? कुत्ता भौं भौं करते रहता है, मैं भी डांटती रहती हूँ। आपकी जिंदगी का सबसे दुखद घड़ी कौन सा था और सबसे सुख वाला पल कौन सा था? पूजा करने गए थे। हाँ। अपनी दीदी की बेटी के साथ, उनकी बेटी का मेरे कारण एक्सीडेंट हो गया जो इस दुनिया में नहीं है, और मेरी दीदी मुझसे बात नहीं करती है। बहुत ही दुखद घटना है आपकी जिंदगी की, मुझसे लेकिन बात नहीं करती है। इसको भूल के तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ये तो घटना जीवन का एक अंग है, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, सब ईश्वर का था। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। आपको फिल्म देखना पसंद है? जी हाँ मैम। कोई फिल्म का डायलॉग मुझे सुनाइए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। कौन सी पिक्चर की है ये? पटना हमेशा से बॉलीवुड के लोगों के लिए बड़ा ही खास रहा है। ऐसी रोचक कहानियां यहाँ से मिलती रही हैं जिस पर बॉलीवुड की तमाम सुपरहिट फिल्में बनी हैं। यहाँ से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपना झंडा बुलंद किया है, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा हो गए, नीतू चंद्रा जी हो गई, सुशांत सिंह राजपूत हो गए, हमारी सोनाक्षी सिन्हा हो गई। हमारी सोनाक्षी सिन्हा जब भी मैं कहता हूँ तो सोनाक्षी के लिए एकदम से अजीब सी फीलिंग हो जाती है। बहरहाल मुझे ये जानना है कि पटनहिया मेम साहबों को बॉलीवुड से कितना लगाव है, और जो मेरे सवालों का सही सही जवाब देंगी वही बनेंगी पटना से बॉलीवुड की एक्सपर्ट मेम साहब। तो तैयार हैं आप लोग? तो मेरा पहला सवाल है, मोगैम्बो खुश हुआ, ये किस फिल्म का डायलॉग है? मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया? देखा है आपने? यस सर। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल है मेरा, अमिताभ बच्चन के बच्चों का नाम बताएं। अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन। बिल्कुल सही जवाब। मेरा अगला सवाल है, किस भारतीय संगीतकार को ऑस्कर अवार्ड मिला है? ए आर रहमान। बिल्कुल सही बताया आपको। मेरा अगला सवाल है, आपको बताना है कि ये डायलॉग किस फिल्म का है? अच्छा है, ये हिंदू का खून है, ये मुस्लिम का खून है, ये मिला दिया, ये बताइए इसमें कौन हिंदू का है कौन मुस्लिम का है, जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तू कौन होता है फर्क करने वाला, ए कलम वाली बाई। ऑप्शन है ए तिरंगा, बी क्रांतिवीर, सी कुरुक्षेत्र। क्रांतिवीर। ये जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल, फिल्म शोले में अमिताभ और धर्मेंद्र के किरदारों का नाम बताएं। जय और वीरू।
बिल्कुल सही जवाब। और अब इन पांचों सवालों के बाद में यहाँ पे ये राउंड समाप्त होता है। मैं आपको नाम बताऊंगा कि कौन है पटना से वो नाम जो बॉलीवुड की एक्सपर्ट मेम साहब बनी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रांग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट, कॉलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। ये स्लैब है सामने, इसके ऊपर में गैस रखा हुआ है, आपने आटा गूंथना है, चपाती को बेलना है और चपाती पकाना है और साथ में डांस करना है। यस, ये आप शायद आटा गूंथ रही हैं। ओ, अब आपने बर्तन ले लिया और अब इसको बेल भी रही हैं। आए है क्या बात है, चपाती डाला, देखिए जल ना जाए, जल ना जाए, जल ना जाए। ओह, पलट दिया आपने। आइए देखते हैं कि जूरी मेंबर्स ने किन भाग्यशाली मेम साहबों को सिलेक्ट किया है गाला राउंड्स के लिए। ज्यादा बक बक के तो मोर का थोपड़े का चौकता बिगाड़ दूंगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके चाहते कार्यक्रम एक्सपर्ट बिग बैम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रांग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट, कॉलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बॉलीवुड के सवाल पूछे थे, इसलिए जब ब्रेक से मैं वापस आया तो मैंने सोचा कि कोई एक डायलॉग क्यों ना मार दूं, और शत्रुघ्न सिन्हा के डायलॉग के मारने के साथ ही मैं अब बताने वाला हूं आप लोगों को वो नाम जो है बॉलीवुड की एक्सपर्ट मेम साहब का नाम, और वो है, नाम भी कुछ फिल्मी है, रानी रॉय। रानी जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आप बनी हैं बॉलीवुड की एक्सपर्ट मेम साहब और आपको मिलता है एक्सपर्ट की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। और आइए अब चलते हैं ऑडिशन एरिया में और देखते हैं कि वहां हमारे जजेस क्या धमाल सवाल पूछ रहे हैं और क्या कमाल कमाल जवाब आ रहे हैं। देखे जवानी के रेले, देखे हसीनों के मेले, देखे दिल पे हो, तू ही छा गया। मेरा नाम आरती कुमारी है, मैं PhD की तैयारी कर रही हूँ। मैं जब छोटी थी तभी से जब भी कहीं गाना बजने लगता था तो मैं उस पर थिरकने लगती थी। यही एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे आगे तक ले जाएगा। कितने भी टफ कंटेस्टेंट्स आए मेरे आगे नहीं टिकेंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंट है जो मैं शुरू से बचपन से लेते आई हूँ। आप जब डांस कर रहे थे मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब एक महिला अपने मायके से ससुराल आती है, माँ को छोड़ती है तो सासू माँ लेती है, अपने पिताजी को छोड़ती है तो ससुर मिलते हैं, भाई को छोड़ के आती है तो देवर मिलता है, बहन को छोड़ के आती है तो ननद मिलता है, क्या छोड़ के आती है कि उसे हस्बैंड मिलता है? सबसे प्यार करने वाले केयरिंग माँ बाप को छोड़ती है, तभी वो ऐसा पति मिलता है केयरिंग प्यार करने वाला। चलिए, मोहब्बत का सिलसिला आप लोगों के बीच में ऐसे ही चलता रहे। शुभकामनाएं हैं हमारे और पूरी टीम की तरफ से, तो इन्हीं शुभकामनाओं में अब प्रतीक्षा करें अपने रिजल्ट का। जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। मेरा नाम ईशा वर्मा है, ग्रेजुएशन अभी कर रही हूँ और मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मीन्स मैं स्टार बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझसे हो पाएगा, लेकिन मेरे पति को लगता है कि मुझसे हो पाएगा, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं ये सब कर सकूँ। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। अंदर ऑडिशंस चल रहे हैं और बाहर मैं कर रहा हूँ इनसे बहुत सारे सवाल जवाब, जहाँ बहुत सारे मस्ती मस्ती के अंदाज में हमें मालूम पड़ रहा है कि ये क्या सोचती है और किस तरह से सोचती है, जिंदगी को कैसे जी रही हैं। बॉलीवुड का वो कौन सा हीरो था जो आप देखती थी और फिर उसके फोटो को निकाल कर किताब के पन्नों में डाल दिया था और वो दिल में उतर गए थे? शाहरुख खान। और जो हस्बैंड मिले हैं वो कैसे हैं? सर, वो भी अच्छे हैं, मेरा बहुत केयर करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। कभी कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डांस वगैरह आप कहाँ सीखती हैं, कुछ घर पे टीवी देख के या फिर खुद से? हाँ जी, घर पे ही खुद से खाना बनाते बनाते किचन। खाना बनाते बनाते कैसे कोई एक लेडीज डांस कर सकती है? जरा यहाँ आए। ये स्लैब है सामने, इसके ऊपर में गैस रखा हुआ है, आपने आटा गूंथना है, चपाती को बेलना है और चपाती पकाना है और साथ में डांस करना है। यस, ये आप शायद आटा गूंथ रही हैं। ओ, अब आपने
बर्तन ले लिया और अब इसको बेल भी रही है। आए है क्या बात है, चपाती डाला, देखिए जल ना जाए, जल ना जाए, जल ना जाए। ओह पलट दिया आपने, ये घुमाया 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 और इधर उतार के डब्बा में रख दिया। वाह ये दूसरा भी शुरू हो गया, क्या बात है, तालियां। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कैल्शियम दूध में सबसे ज़्यादा होता है, तो आप दूध में कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स डाल के, जैसे कि हमारा हॉर्लिक्स जिसमें दो गुना इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो बोन की डेंसिटी को बढ़ाता है, बेटर कंसंट्रेशन करता है, हेल्दियर ब्लड है और वेट गेन के लिए ये काफ़ी बेहतर है। पटना के बारे में हमारी मैम साहबों को कितनी जानकारी है ये मुझे पता लगाना है और ये मैं पता लगाऊंगा अपने अगले राउंड में, जहां मैं पूछूंगा इनसे पटना से संबंधित ओ चंद सवाल, जिसके सही सही जानकारी देकर ये बन जाएंगी पटना की एक्सपर्ट मैम साहब। मेरा पहला सवाल है, पटना का एसटीडी कोड क्या है? पहले झंडा आपने ऊपर किया है 0612। फिर अपना टेलीफोन नंबर भी बता दें, मैं कभी कभी कॉल करूंगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चले दूसरा सवाल, पटना की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? BR01। बोल तो ऐसे रहे जैसे पहले से पता है। दूसरा के बाद अब तीसरा सवाल, पटना गुरुद्वारे का पूरा नाम बताइए। पटना साहिब। नहीं सर, ऑप्शन। चलिए मैं आप सबको ऑप्शंस देता हूँ जी, आपको पता है, बताइए। तख्त हरिमंदर जी साहब। तख्त श्री हरिमंदर जी, पटना साहिब। पटना साहिब ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है मेरा, गोल घर का निर्माण किस लिए हुआ था बताइए? अनाज को रखने के लिए। ये बिल्कुल सही जवाब है। आखिरी सवाल है आप लोगों से, पटना के हनुमान मंदिर में जो लड्डू मिलता है प्रसाद के रूप में, उस लड्डू को क्या कहते हैं? नैवेद्यम। तो अब सबसे ज्यादा सही जवाब देकर कौन बनी है शहर की एक्सपर्ट मेम साहब, पटना की एक्सपर्ट मेम साहब, बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तन को करें चुटकी में चकाचक, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रांग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट, कॉलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। सनी अगेन यू आर लेट, ये तो गंदी बात है। आप मेरे चक्कर में क्यों रहते हैं मैम, आप शुरू हो जाया करें ना। ऐसे मत बोलो, तुम्हारे पापा से मैं शिकायत करने वाली हूँ। आप हमेशा मेरे और आपके बीच पापा को क्यों बुलाती हैं? जब वक्त आएगा तो मैं पापा से भी मिलाऊंगा। आइए देखते हैं कि जूरी मेंबर्स ने किन भाग्यशाली मेम साहबों को सिलेक्ट किया है गाला राउंड्स के लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके चहेते कार्यक्रम एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रांग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। ब्रेक पे जब मैं गया था तो उस वक्त मैंने इन लोगों के साथ में एक राउंड खेला था और वो राउंड था पटना शहर के बारे में, जहां मुझे इनसे पूछने थे पटना से संबंधित वो सवाल, जिसके सही सही जवाब देकर ये बन सकती थी पटना की एक्सपर्ट मेम साहब, और वो बनी है और वो नाम है पत्राली मुखर्जी, और आपको मिलता है एक्सपर्ट डिशवॉश बार की तरफ से ये बैच, ये आपने लगाना है और साथ ही साथ आपको मिलता है एक्सपर्ट की ओर से ये शानदार गिफ्ट हैम्पर। बहुत बहुत बधाई है पत्राली जी। आइए अब चलते हैं ऑडिशन वेन्यू में अंदर। मेरा नाम नीतू कुमारी है, हाउस वाइफ के साथ साथ पढ़ाई भी करती हूँ। अगर मैं बिग मैम साहब का खिताब जीत जाती हूँ सब मेरे घर में खुश होंगे और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ तो कुछ करके जाऊँ। किसी भी फिल्म का एक अच्छा सा डायलॉग बोल के सुनाइए। पीटर, तुम मुझे यहाँ ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हें बाहर इंतजार कर रहा हूँ। आपके पति कितना प्यार करते हैं आपसे? बहुत करते हैं। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, कितना? 500 ग्राम। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। मेरा नाम सरिता पांडे है, मैं बिहार की पहली महिला ऑटो चालक हूँ।
हाल ही में मैं 200 महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, खासकर बिहार में अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने जो आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं वो उसे संभाल सके। बहुत खुशी हुई जानकर कि वीमेन एम्पावरमेंट के लिए आप इतना काम करती हैं। आपके बच्चे कितने हैं? 2। अच्छा, क्या करते हैं वो? वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप ऑटो चलाती हैं तो ये जान के मुझे भी बहुत काफी खुशी हुई। क्या करेंगी अभी आप? कुछ सोच के नहीं है, लेकिन डांस करूंगी। बिल्कुल, आप करके दिखाइए। अगर आपको एक दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करना चाहेंगी? बच्चों के शिक्षा के बारे में सोचूंगी कि वो सबसे मस्ट हैं, और इसके बाद उनके रहने खाने पीने का व्यवस्था करूंगी ताकि वो लोग भी अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें। मेरी दांतों की खूबसूरत चमक से तो आप समझ ही गए होंगे हमारा अगला राउंड है कॉलगेट कैल्सिलॉक सुरक्षा राउंड, जहां मैं इनसे पूछूंगा फिटनेस अवेयरनेस के बारे में कि पटनहिया मेम साहबों को फिटनेस के बारे में कितनी जानकारी है। आप खुद देख सकते हैं कि मैं सेलेक्ट करके फिट फिट बंदियों को लेके आया हूं, जो थोड़ी फिट दिख रही हैं। इसमें ये बुलंद हैं और बाकी आप उधर 45 किलो से लेके 50-55 इधर बढ़ते हुए चले जाएंगे। इस क्रम में फिटनेस का मामला है, लेकिन ये फिटनेस मजाक नहीं है, फिटनेस बड़ा एक सीरियस सब्जेक्ट है। इसके बारे में आप लोगों को कितनी जानकारी है ये थोड़ा सा मैं इंक्वायरी करने वाला हूं अपने सवालों से, और जो सबसे ज्यादा सही जवाब देंगी वो बनेंगी कॉलगेट कैल्सिलॉक सुरक्षा राउंड की विनर। मेरा पहला सवाल है, मोटापे से जुड़ी बीमारी को क्या कहते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए ओबेसिटी, बी टेटनस या सी लेप्रोसी। आप बताना चाहेंगी? ओबेसिटी। और ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है मेरा, पायरिया बीमारी शरीर के किस अंग में होता है? ऑप्शंस हैं ए गले में, बी दांत में या सी आंख में। दांत में होता है। चमचमाती दांतों की मल्लिका ने बताया दांत में, और ये बिल्कुल सही जवाब। घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शंस हैं ए आयोडीन, बी विटामिन या सी प्रोटीन। आयोडीन। बिल्कुल सही जवाब। शरीर में पानी कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शंस हैं 60%, बी लगभग 70% या सी लगभग 80%। 70%। मुझे लगता है आप में 90% है, क्योंकि बहुत स्लिम फिट हैं आप। और ये बिल्कुल सही जवाब। तो सबसे ज्यादा सही जवाब देकर आरती जी बनती है कॉलगेट कैल्सिलॉक सुरक्षा राउंड की विनर, और उन्हें मिलता है कॉलगेट की ओर से ये कैल्सिलॉक सुरक्षा बैच। तो आरती जी को बहुत बहुत बधाइयां, और अब इन बधाइयों के साथ साथ हमें चलना है ऑडिशन एरिया में और देखना है कि वहां पटनहिया मेम साहब क्या धमाल मचा रही हैं। कहा था कि पिक्चर दिखाने ले जाएंगे, अभी तक तो कुछ पता नहीं है। इतनी देर से आए हो, जाओ अपना काम करो, मुझसे क्या मतलब है? बीवी से तो प्यार व्यार है नहीं, बस अपना काम, अपने दोस्त, ऑफिस, बस यही सब जरूरी है। जाइए, भाड़ में गया पिक्चर, भाड़ में गया आपका प्यार, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। महिलाओं के सम्मान और रोजगार के लिए ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए जिससे वो ज्यादा आत्मनिर्भर बने, क्या करना चाहिए? मैं जीरो से बताती हूँ। हाँ। पहली बात, जो ये भ्रूण हत्या हो रहा है कन्या, उसको बंद होना चाहिए। एडुकेशन बहुत कम है, बेटियों को जाने नहीं देते हैं स्कूल, वो हटना चाहिए। घर और बाहर संभालिए, तब तो दोनों को बैलेंस करके चल पाएगी। पहला महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए, बहुत जरूरी है। उसके बाद शिक्षा के बाद तो रोजगार मिलता ही। हाँ जी। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर आपके पति सुपरमैन होते तो आप उनसे क्या करवाना चाहते? अगर होते तो झाड़ू लगवाते। अभी जब सुपरमैन नहीं है तो आप क्या करवाते हैं? आप अभी कपड़ा धुलवाते। मेरा नाम अनु है और मेरे हस्बैंड का नाम संजीत कुमार है। आज मैं यहाँ बिग मेम साहब के स्टेज पे हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि सारी क्वालिटी मेरे अंदर है, और मैं अपनी इस क्वालिटी से बिग मेम साहब का खिताब पक्का जीत के जाऊँगी। हाँ,
बच्चों का कोई रैम सब दिखाइए प्ले करके। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग सनी, हाउ आर यू बेबी? मैं एकदम अच्छा हूँ मैम, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ सनी, अगेन यू आर लेट। ये तो गंदी बात है। तो आप मेरे चक्कर में क्यों रहते हैं मैम, आप शुरू हो जाया करें ना। ऐसे मत बोलो, तुम्हारे पापा से मैं शिकायत करने वाली हूँ। ओके, आप हमेशा मेरे और आपके बीच पापा को क्यों बुलाती हैं? जब वक्त आएगा तो मैं पापा से भी मिलाऊंगा। ओह माय गॉड, मैं उस बारे में नहीं बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, पहले मुझे ये बताओ आपने अल्फाबेट्स लर्न किया? हाँ याद कर लिया ना मैंने। चलिए मुझे सुनाइए, ए फॉर एप्पल। A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। सनी ऐसे नहीं, A for apple, ऐसे बोलिए। A for apple? हाँ। A for apple, B for बड़का apple, C for छोटका apple, D से दूसर का apple। सनी। E से एक ठोर apple। ऐसे नहीं। F से फोकट का apple। ऐसे नहीं। G से गोल apple। Oh my God, ऐसे नहीं बाबा। हमको ऐसे ही याद है मैम। ऐसे नहीं। जरा एक किलो तलना apple। एक्सपर्ट बिग बैम साहब सीजन 7 की जो विनर होंगी उनके सर पे तो ताज होगा ही होगा, पर उसके अलावा भी एक्सपर्ट लेके आया है उपहारों की सौगात। तो आइए जानते हैं कि पटना से वो पहली भाग्यशाली मैम साहब कौन है जिन्हें मिलता है एक्सपर्ट की ओर से शानदार गिफ्ट हैंपर। आइए जानते हैं अपने जूरी मेंबर से। तो मैम बताएं। वो पहली भाग्यशाली महिला है मंजू बंडल। मंजू जी बहुत बहुत बधाई, आपको मिलता है एक्सपर्ट की ओर से शानदार गिफ्ट हैंपर। दूसरी भाग्यशाली मैम साहब है स्नेहा राय। तीसरी भाग्यशाली मैम साहब है बसंती। बसंती जल्दी से मेरे साथ में आ जाओ, मैं आ रही हूँ। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। चौथी भाग्यशाली मैम साहब है सरिता पांडे। बहुत बहुत बधाई सरिता जी। थैंक यू। ऑडिशन में आप ही मुझे लेके आई थी, और अब जब ऑडिशन समाप्त होगा तो इंतजार करिएगा, आप ही ऑटो पे बैठ के जाऊंगा मैं। जरूर जरूर, मैं जरूर आपको छोड़ूंगी। इसी के साथ पटना का ऑडिशन खत्म हो रहा है, जहां एक से बढ़कर एक मेम साहब ने अपने हुनर की उड़ान दिखाई। लेकिन कुछ मेम साहब ऐसी भी थीं जिनका ऑडिशन व्हाट्सएप के जरिए हमें मिला। आइए देखते हैं कि जूरी मेंबर्स ने किन भाग्यशाली मेम साहबों को सिलेक्ट किया है गाला राउंड्स के लिए। पटना ऑडिशन में हमारे जजेस की कसौटी पर खरी उतरी हैं अन्नू कुमारी, आरती कुमारी, बसंती कुमारी और कनिका शर्मा। ये चारों मेम साहब कल से हमारे साथ खेलेंगी गाला राउंड। पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली में रहती हूँ, इसी दौरान मैं पटना में हुए बिग मेम साहब का ऑडिशन नहीं दे पाई थी। तो तभी मेरे पति ने मुझे कॉल करके बताया कि बिग मेम साहब के ऑडिशन हम व्हाट्सएप के थ्रू भी दे सकते हैं। तो मैंने अपना ऑडिशन व्हाट्सएप के थ्रू दिया और बिग गंगा की जूरी ने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो इन्हें सबसे पहले तो मैं बहुत सारी बधाइयां देता हूं और बहुत सारी तालियां और शुभकामनाएं इनके पूरे परिवार को। बहती हुई नदी की धारा और निकला हुआ समय लौट के वापस नहीं आता, इसलिए जीवन में जब भी कोई ऐसा क्षण या कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिले जहां आपको लगता है कि आप अपनी पहचान बना सकती हैं अपने हुनर के दम पे, जहां आप नाम कमा सकती हैं, जहां आप अपनी जिंदगी को बदल सकती हैं, तो हर इंसान को इस कोशिश को जरूर करना चाहिए। रिजल्ट जो भी हो पर कोशिश हर इंसान को जरूर करनी चाहिए। तख्ता पलटते समय बदलते वक्त नहीं लगता। ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। हमारे अगले शहर में भी आपसे मुलाकात कराऊंगा कुछ नए टैलेंटेड मेम साहबों के साथ। तो अपने प्रियेश को दीजिए इजाजत और अपना प्यार ख्याल आशीर्वाद देते रहे आपके चहेते शो को। देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तन को करें चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रांग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। कॉलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। तो कल से लीजिए गाला राउंड का आनंद, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक अपना प्यार देते रहे और देखते रहे आपके चहेते शो को।